जैसे जैसे गर्मी का पारा आसमान छू रहा है, पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली वासियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। यह है चिल्ला गांव, जहां के लोगों को हर दिन पानी के लिए नई लड़ाई लड़नी पड़ती है। पानी नहीं लिया आता, घर के लिए जाते हैं पानी यहां से, पर काफी लोग पीर हो जाते हैं। पानी हमारे गांव में कम से कम 10 साल हो गए जो पानी का हमें बिल्कुल नहीं मिला। सप्लाई पानी की है, पर वो जो पानी उसमें नाली का पानी आता है, नाली का पानी उसमें अगर कोई टैंकी मोटर चला देगा तो उसमें पूरा कीचड़ कीचड़ आती है। 200 साल पुराना चिल्ला गांव बीजेपी सांसद महेश गिरी के संसदीय क्षेत्र में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तहत सांसद महोदय ने इस गांव का पाया पलट करने का बीड़ा उठाया है, यानी इस गांव को गोद लिया है। 16 मई को मोदी सरकार ने 3 साल पूरे किए, लेकिन सांसद महोदय के गोद लिए इस गांव का हाल देखिए। इस गांव के लोगों को पानी के लिए हर रोज ऐसी ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। त्रिलोकपुरी विधानसभा का चिल्ला गांव ही नहीं बल्कि मंडावली, गांधीनगर, गाजीपुर, खिचड़ीपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां या तो पानी आता नहीं और अगर आता है तो गंदा पानी पीने लायक नहीं होता। कहां सो रही है केंद्र और राज्य की सरकारें जिन्होंने बड़े बड़े दावे कर वोट बटोरे थे। सचिन बिडलान, नवोदय टाइम्स।